हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट सन क्लासेस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर हमारा 5 है। और चैप्टर में अगर आप पार्ट 3 वीडियो है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पीछे वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हाय, क्या हमारा टॉपिक व्यावसायिक फसलें। व्यावसायिक फसलें को इंग्लिश में कमर्शियल क्रॉप कहा जाता है। तो व्यावसायिक फसलें किसे कहते हैं? तो जिस फसलों का उत्पादन आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है उसे व्यावसायिक फसलें कहते हैं। क्या सुना आपने? जिस फसलों का उत्पादन आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है उसे व्यावसायिक फसलें कहते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए आर्थिक लाभ। मतलब जैसे आप व्यावसायिक फसलें क्या है, गन्ना है, जूट है, तंबाकू है इत्यादि। इसमें गन्ना जो है पश्चिम चंपारण में नंबर वन, ज़्यादा सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में किया जाता है, बिहार के जिला में, और गोपालगंज में नंबर टू पर। तो गन्ना उत्पादन में नंबर वन किसका स्थान है? पश्चिम चंपारण का। नंबर टू किसका है? गोपालगंज का। और जूट में दोस्तों बिहार का जो है, पूरा बिहार का जूट उत्पादन तीसरा स्थान है, और दूसरा स्थान असम का है, और पहला स्थान वेस्ट बंगाल का है। दोस्तों बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में किया जाता है। और हमारा दोस्तों तंबाकू, तो आपने क्या सुना कि तंबाकू जो है ये बिहार का छठा स्थान में, मतलब छठा स्थान है उत्पादन में। तो बिहार का जो है तंबाकू उत्पादन में कौन नंबर स्थान है? तो छठा स्थान है। कितना स्थान है दोस्तों? छठा स्थान है। और फिर क्या, तंबाकू जो उत्पादन कहाँ होता है? समस्तीपुर और वैशाली जिला में होता है, और इसके अलावा दरभंगा और मुंगेर में होता है। और पूछा जाएगा कि बिहार की में सिगरेट कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो मुंगेर में है। सब्जियां, फल एवं मसाले, अब क्या हेडिंग है? सब्जियां, फल है। तो बिहार में लगभग दोस्तों ये जो सब्जियां, फल, मसाले सभी जिलों में उगाई जाती है, ठीक है। फिर क्या, पटना, नालंदा में जो आलू और प्याज ज्यादा अग्रणी राज्य है, मतलब पटना में और नालंदा जो एरिया है वो आलू प्याज वहाँ पे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और आम के लिए कौन सा फेमस है? आपको याद रखना है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली, और केला के लिए वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय। देख पेपर में क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों कि लीची के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर की लीची क्या है? प्रसिद्ध। आपने दिखाया ही होगा मुजफ्फरपुर की लीची। अब है दोस्तों बिहार में कृषि की समस्याएं क्या आती है? बिहार में जो कृषि की समस्या होती है वो क्या समस्या होती है? तो दोस्तों बिहार में 90% जो आबादी है वो आपका देहात में रहती है, शहर से हटकर रहती है, देहात में रहती है, और पूरा 80% आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। इसके बावजूद भी क्या है कि बिहार में आपका जो फसल उत्पादन है, जो कृषि है, उत्पादन में कमी आती है। तो ये आपका समस्या, आप इसका कारण क्या है ये जानते हैं दोस्तों। कारण बहुत सारा है कि मतलब पहले तो बाढ़ की समस्या, फिर आपका सिंचाई की समस्या, उतना अच्छा सिंचाई नहीं है, फिर मृदा का अपरदन है, मिट्टी कटाव है, फिर आपका किसानों में रूढ़िवादिता है, और फिर बीजों का अच्छा किस्म नहीं उपयोग किया जाता है, फिर दोस्तों खेतों का कार्य जो है छोटा है। अभी दोस्तों बारीकी बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला है मृदा कटाव और गुणवत्ता की ह्रास। तो मृदा कटाव का मतलब ये होता है कि जब मिट्टी का कटाव, मतलब पानियों के द्वारा जब बरसात होती है और पानी के मतलब मिट्टी जो कटाव होता है उसी को मिट्टी कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो ये बारिश की वजह से होती है और बाढ़ आने की वजह से भी होता है मृदा का अपरदन। और दूसरी बात दोस्तों गुणवत्ता की ह्रास है। तो है क्या कि जब किसी खेत पर हम लोग एक ही फसल को बार बार बोते हैं तो वहाँ पर मिट्टी की नाइट्रोजनी शक्ति कम हो जाती है, यानी कि गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। तीसरा दोस्तों घटिया बीजों का उपयोग। तो दोस्तों है क्या, कई लोग अपने पुराने परंपराओं से भी घटिया बीजों का उपयोग करते हैं और वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है। अगर आपको इसको सुधार करना है तो समुन्नत किस्मों का बीजों का इस्तेमाल करें, जो मार्केट में मिल रहे हैं वैसे अच्छे क्वालिटी का बीजों का इस्तेमाल करें, और अच्छे पैदावार को बढ़ाएं और अच्छे आर्थिक लाभ कमाएं। फिर क्या, खेतों का आकार छोटा होना। तो खेतों का आकार बहुत छोटा होने की वजह से ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, ठीक है। तो बड़े आकार के खेतों में मतलब खेती बड़े पैमाने। फिर दोस्तों किसानों में रूढ़िवादिता, किसानों में रूढ़िवादिता मतलब यह है दोस्तों कि कई किसान ऐसे होते हैं जो पुराने परंपराओं से, मतलब जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो जो पुराने परंपराओं से खेती करते हैं, तो इसे कहा जाता है रूढ़िता, ठीक है। तो इसे हमें बदलना चाहिए, हमें नए तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, नए खाद बीजों का उपयोग करना चाहिए, ताकि कृषि पैदावार में ज्यादातर वृद्धि हो। फिर एक दोस्तों सिंचाई की समस्या। और दोस्तों पानी, कई जगह खेती ऐसे जगह हैं जहां पर पानी का साधन ही नहीं है, ठीक है। और इन पानी का साधन नहीं होने के कारण
सिर्फ क्या होता है दोस्तों, खेती उतरा नहीं होती है। बिहार के दोस्तों अक्सर जिलों में प्राइवेट पंप सेटों से लगाकर खेती की सिंचाई की जाती है, ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों धान खेती में या गेहूँ खेती में घाटे लगने की बात आ जाती है, तो कई लोग खेती ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हर एक एरिया में मतलब पंप सेट को मतलब कम से कम एक, जो मान लीजिए कि मतलब एक 10 एकड़ जमीन है तो वहाँ पर एक पंप सेट जरूर देना चाहिए। फिर दोस्तों कृषि कैलेंडर, तो कृषि कैलेंडर के बारे में अब बाढ़ की बात करें दोस्तों, तो बाढ़ अगर जब आता है तो बहुत सारे दोस्तों क्या होता है कि मतलब तबाह हो जाती है खेती और वहाँ पे फसल उत्पादन भी बेकार हो जाता है और वहाँ पर किसानों को बहुत ही हानि पहुँचती है। और इस दोस्तों ज़्यादातर अभी एक बार रोहतास में दर 6 के 7 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आया। और तो कृषि कैलेंडर, तो कृषि कैलेंडर एग्रीकल्चर कैलेंडर इसमें यही बताया गया है दोस्तों कि बुआई कब से कब कितने कैसे की जाती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बारिश का दिन आता है तो जून में क्या होता है कि खेतों में हल चलाए जाते हैं और हल चलाने के बाद उसके बाद बीज को डाल दिया जाता है धानों का, और फिर उसके एक मंथ बाद जुलाई में उसे बुआई की जाती है जिससे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और फिर उसे दोस्तों क्या किया जाता है कि बुआई करने के बाद अगस्त में उसे हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, धान को अगस्त में काट लेते हैं। फिर उसके बाद जनवरी में आपका गेहूं की बुआई की जाती है, गेहूं में क्या होता है जनवरी की बुआई की जाती है और मार्च में फिर इसकी कटाई की जाती है। फिर इसके अलावा गन्ना का भी लोग खेती करते हैं, तो इसी कृषि कैलेंडर का है। कृषि कैलेंडर आपको समझ में आ गया क्या होगा कि जून में जब भारी वर्षा होती है तो उस समय में खेतों में हल चलाए जाते हैं और हल चलाने के बाद जुलाई में क्या होता है कि धानों का प्रतिरोपण करते हैं, मतलब धानों के बीज को रोपा जाता है। फिर उसके बाद इससे क्या होता है दोस्तों कि अगस्त में धान को प्रतिरोपण करने के बाद जनवरी में गेहूं का क्या होता है बुआई होता है। फिर आपका दोस्तों मार्च में इसकी क्या करती है कटाई कर ली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।